राष्ट्रवादी पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या करने की जिम्मेदारी लेने के बाद लॉरेंस बिश्नोई फिर से सुर्खियों में है। बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को दोबारा जान से मारने की धमकी दी है। बिश्नोई पहले भी कई बार सलमान को धमकाने की कोशिश कर चुका है। कुछ महीने पहले बिश्नोई गैंग ने सलमान के घर के बाहर हवाई फायरिंग भी की थी। आशंका जताई जा रही है कि अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान फिर से बिश्नोई गैंग के निशाने पर हो सकते हैं। सलमान के बाद भाईजान की एक्स गर्लफ्रेंड को भी बिश्नोई गैंग से धमकियां मिली हैं। इसी बीच सोमी अली ने बिश्नोई को एक खास संदेश दिया है। सोमी अली ने इंस्टाग्राम से एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में वह लॉरेंस को मैसेज करती हैं और उनसे वीडियो कॉल पर बात करने की इच्छा जाहिर करती हैं। लॉरेंस बिश्नोई, यह आपके लिए एक विशेष संदेश है। लॉरेंस भाई नमस्ते, मैंने सुना और देखा है कि आप जेल से जूम कॉल करते हैं। मैं भी आपसे बात करना चाहती हूँ। कृपया मुझे बताएं कि यह कैसे संभव है। राजस्थान यह पूरी दुनिया की सबसे पसंदीदा जगह है। हम आपके मंदिर आना चाहते हैं पूजा के लिए, पर पहले आपसे जूम कॉल हो जाए और कुछ बातें हो जाएं पूजा के बाद, फिर यकीन मानिए कि ये आपके फायदे की बातें हैं। अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, बड़ा एहसान होगा आपका, शुक्रिया। सोमी अली और सलमान कुछ समय तक रिलेशनशिप में थे। एक्ट्रेस ने सलमान पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। सलमान और संगीता बिजलानी का रिश्ता टूटने के लिए सोमी अली जिम्मेदार थीं। इस बात का खुलासा खुद सोमी अली ने एक इंटरव्यू में किया था। अब लॉरेंस बिश्नोई को सीधा संदेश भेजने के बाद सोमी अली फिर से सुर्खियों में हैं।